वेलकम बैक। आज हम मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो इसमें सबसे पहले हम कहीं डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेस वेक्टर कौन की है या स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में कहेंगे। व्हाट इज दी व्हेनेवर द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन द चेंज इन द पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे व्हेनेवर बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, जब एक बॉडी क्या है तो मूव करती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो इसकी पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर, कि इसको हम वेक्टर क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट डिस्क्राइब्स हाउ फार इन विच डायरेक्शन द स्पीड हैज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। द टेल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज लोकेटेड एट ए पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट स्टार्टेड एंड द टिप और एरो इज लोकेटेड एट द फाइनल पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट एंडेड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दो तीन चीजें हैं कि वो बताते हैं हमें कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास कोई वेक्टर है जिसको हम क्या है कि ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये हमारे पास एक वेक्टर की डेफिनेशन थी, आस डायरेक्शन जो एक्स एक्स इसके साथ मेकिंग एन एंगल थीटा है। तो इसको एलिबोरेट करने स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस देख लेते हैं कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसके लिहाज से हम देखें कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या भी वेक्टर होगा या स्केलर होगा। तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया हुआ है कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट एज ए वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द बॉडी हैज बीन डिस्प्लेस्ड, यानी जब भी आप बॉडी को किसी और को डिस्प्लेस करेंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो वो इसकी एक डायरेक्शन होगी। अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि आपके पास क्या है कि ये स्पीड और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है इसमें फिर क्या फर्क होगा, या अगर सॉरी हम इसको डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होगा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें इसकी खास डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें खास डायरेक्शन होती है। और डिस्टेंस क्या है कि कोई भी पाथ हो सकता है, कि अब अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो उसके लिए डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। तो इन दो तीन तरीकों से आप क्या है कि पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, एंड जो ये सारे पाथ्स होंगे इनको हम क्या है डिस्टेंस कहेंगे। मगर एक पाथ ऐसा होगा जो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसको हम क्या है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। तो ये हमारे पास एक फिगर है, ये हमारे पास फिगर है, ये जैसे हमने बनाया ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास दो पॉइंट्स थे ए एंड बी। तो ये इसको हमने क्या है कि इन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये आपके पास है, इनको हम क्या है कि आर वन और आर टू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको हेड टू डे रूल से वो करें तो ये आपके पास बिटवीन टू पॉइंट्स आपके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर इसको हम और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाला भी एक पाथ भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, मगर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स वो आपके पास ये वाला है। तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका ये वाला होगा और डिस्टेंस आपका ये वाला पॉइंट हो सकता है। तो इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी।